हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश क्लास. वी वर डूइंग चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कन्वर्सेशन चल रहा था डैरी और मिस्टर लैम के बीच में. ठीक है, डैरी और मिस्टर लैम के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, जिसमें कि डैरी का एटीट्यूड जो है नेगेटिव होता है और मिस्टर लैम का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता है. वो जो है इसे समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फिर कल हमने पढ़ा कि वो बोलते हैं कि जो भी मेरे गार्डन में आते हैं सब मेरे दोस्त होते हैं. तो डैरी बोलता है कि नहीं, है ना, बोले कि लोग तुमसे गली में मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारे दोस्त हो जाते हैं. ठीक है, फिर बोलते हैं कि इसका मिस्टर रैम कहते हैं इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो जो है दुश्मन होते हैं, दोस्त नहीं होते. तो ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होती है. फिर बोलते हैं कि मुझे भी एक ऐसी जगह पसंद है, एक गार्डन पसंद है, एक ऐसा घर पसंद है जिसके कोई पर्दे ना हो. ठीक है, बोले तुम यहाँ आ सकते हो, हो सकता है कि अगर मैं तुम्हें ना मिलूँ तो बाकी लोग तुम्हें यहाँ पर जो है मिल सकते हैं. मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, ये नीड नॉट माइंड. बोले अगर तुम्हें बाकी लोग मिलेंगे तो तुम उसकी परवाह मत करना, वो तुम्हें रोकेंगे नहीं. डैरी, आई स्टॉप देम, मैं उन्हें रोक दूंगा. दे माइंड मी, वो मेरी परवाह करेंगे. वेल दे सॉ मी हियर, दे लुक एट माई फेस एंड रन. अगर उन्होंने मुझे यहाँ देखा, मेरे चेहरे को देखेंगे तो वो यहाँ से भाग जाएंगे. मिस्टर लैम, दे माइट, हो सकता है. दे माइट नॉट, नहीं भी हो सकता है. यू हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा. सो वुड दे, और उन्हें भी. डैरी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी लूज योर ऑल योर लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट. अब वो बोलता था कि है ना, नहीं, अगर मैं यहाँ पर रहा तो वो लोग मेरे से डर जाएंगे, वो लोग मुझे देखकर भाग जाएंगे, और हो सकता है कि तुम मेरी वजह से सारे अपने दोस्त खो दो, क्योंकि मेरी वजह, मेरे पास में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है, सब लोग मेरे वहाँ पास से चले जाते हैं. मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव, मैं तो नहीं गया. डैरी, नो, नहीं. मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम, कि जब मैं कभी गली में जाता हूँ बच्चे मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं. बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बगीचे में आते हैं. इन टू माई हाउस, मेरे घर पर आते हैं. इट्स अ गेम, ये खेल है. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, उन्हें मेरा डर नहीं है. वाई शुड दे बी, और वो मेरे से डरे भी क्यों. बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरा हुआ हूँ. दैट्स वाई नॉट, इसीलिए वो भी नहीं. डैरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारी जो टांग है वो युद्ध में टूट गई थी. मिस्टर लैम, सर्टनली. डैरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, कि फिर तुम कैसे सीढ़ी पर चढ़ते हो, कैसे जो है सेबों को तोड़ते हो. मिस्टर लैम, ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, अरे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली थी हैं. एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और कई समय के लिए, कई सालों से सीखी है. आई टेक इट स्टडी, मैंने सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखा है. डैरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिर गए, गिर जाते हो, तुम्हारी गर्दन टूट जाती है, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम घास पर भी तो गिर सकते हो. एंड डाई, मर सकते हो. इफ़ यू आर ऑन योर ओन, अगर आप अकेले रहे तो. मिस्टर लैम, आई कुड, हो सकता है. डैरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. मिस्टर लैम, इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर आप चाह तुम चाहो तो. डैरी, बट माई मदर वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पर हूँ. इट्स अ 3 miles होम, मेरा घर 3 मील दूर है. अक्रॉस द फील्ड, खेतों के पार है. आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ. बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन वो अभी भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ. मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं. डैरी, पीपल फर्स्ट, लोग गड़बड़ करते हैं. मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उन्हें जाकर बता दो. डैरी, इट्स 3 miles, मेरा घर 3 मील दूर है. मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, बोल अच्छी शाम है और तुम्हारे जो है तुम्हारे पास में तो टांगे भी हैं. डैरी, वंस आई गॉट होम दे नेवर लेट मी कम बैक, अगर एक बार मैं घर पर चला गया तो वो लोग कभी भी मुझे वापस नहीं आने देंगे. मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, अगर एक बार तुम घर पर चले गए तो तुम खुद भी नहीं आओगे. डैरी, यू डोंट नो वॉट आई कुड डू, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ. मिस्टर लैम, ओ नॉट ओनली यू वॉन्ट, नहीं सिर्फ आप, तुम्हें ही पता है. डैरी, इफ़ आई चूज़, अगर मैंने ठान लूँ तो. मिस्टर लैम, इफ़ यू चूज़ आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कॉन्ट टेल यू वट टू डू, अगर तुम ठान लो तो. आई डोंट, मुझे सब कुछ नहीं पता लड़के, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता कि क्या करना है. डैरी, दे टेल मी, वो मुझे कहेंगे. मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें इसके लिए सहमत होना होगा. डैरी, आई डोंट नो वट आई वॉन्ट, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए. आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और
एवर विल हैव. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी को नहीं मिला हो, जो किसी के पास नहीं हो, समथिंग जस्ट माइन, जो कि सिर्फ मेरा हो, कुछ ऐसा कि जो सिर्फ मेरा हो. लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये बगीचा. आई डोंट नो वट इट इज़, मुझे नहीं पता ये क्या है. मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो. डेरी, कैसे? मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, इंतज़ार कर कर, देख कर, सुन कर. सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ बैठ कर या वहाँ जाकर. आई विल हैव टू सी द बीज, मुझे तो जो है अपनी मक्खियों को देखना होगा. डेरी, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, डू दे टॉक टू यू? क्या बाकी जो लोग आते हैं वो तुमसे बातें करते हैं? आस्क यू थिंग्स, तुमसे कुछ पूछते हैं? मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम. कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ. आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है. डैडी, आई डोंट बिलीव इन देम, मुझे उनमें विश्वास नहीं है. आई डोंट थिंक एनी बडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ आता होगा. यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स. अगर आप यहाँ अकेले हो, दुखी हो, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा कि तुम जिंदा हो या मरे हुए हो. कोई किसी की परवाह नहीं करता. मिस्टर लैम, यू थिंक बट यू प्लीज़, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम सोचो. डैडी, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. ठीक है, ऐसे कुछ लोगों के नाम बताओ जो तुम्हारी परवाह करते हैं. मिस्टर लैम, वाट आर द नेम्स, नाम क्या है? टॉम, डिक एंड हैरी. गेटिंग अप, वो खड़े होते हैं. आई एम ऑफ डाउन टू बीज, द मैं बीज को देखने के लिए, मधुमक्खियों को देखने के लिए जाता हूँ. डैडी, आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी, मेरे ख्याल से तुम पागल हो. मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये अच्छा बहाना है. डैडी, वट फॉर, किसके लिए? यू डोंट टॉक सेंस, तुम समझदारी की सेंस की बात नहीं करते हो. गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का. एंड यू हैव गॉट अ बर्नड फेस, और तुम्हारा जो चेहरा है वो जला हुआ है. एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज, और ये जो है दूसरे लोगों का बहाना है. डैडी, यू लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट. इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटेंड. तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो, बाकी लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही आप बोलना पसंद करते हो. तुम्हें भी मेरे चेहरे को लेकर दुख है क्योंकि तुम डरे हुए हो. एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज डेवल, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डेवल जैसा जो है वो राक्षस जैसा जितना भद्दा हूँ. आई एम अ डेवल, मैं एक राक्षस हूँ. डोंट यू, क्या नहीं हूँ? इतना कहकर वो जोर से चिल्लाता है. मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम इसका जवाब नहीं देते हैं. ही हैज़ गॉन टू सी हिज बीज, क्योंकि वो अपनी मधुमक्खियों को देखने के लिए जा चुके होते हैं. डैरी क्वाइटली, चुपचाप. नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नहीं तुम नहीं, मुझे यहाँ पसंद है. रुकता है. डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स, खड़ा होता है, जोर से चिल्लाता है. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा. यू सी, तुम देखना. यू वेट, तुम इंतज़ार करना. आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ. आई हैव नॉट गॉट अ टिन लैग, मेरी टिन की टांग नहीं है. आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा. डैरी रन्स ऑफ. अब डैरी वहाँ से चला जाता है. साइलेंस, चुप्पी आ जाती है. द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, वापस से जो बगीचे की आवाज़ें आती हैं वो आने लग जाती हैं. मिस्टर लैम अपने आप से ही बातें करते हुए. देर आर माई डियर्स, अरे मेरे प्रिय. दैट्स यू सीन टू, तुमने भी देखा. आह यू नो, तुम्हें, अरे तुम्हें पता है. वी ऑल नो, हम सबको पता है. आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा. दे नेवर डू, लेकिन कभी नहीं आते हैं. जबकि कभी नहीं आते हैं, नॉट देम, कोई नहीं. नेवर डू कम बैक, कभी वापस नहीं आते हैं. फिर वापस से धीरे धीरे गार्डन की आवाज़ें शुरू होने लग जाती हैं. अब ये सीन टू जो डैडी का घर का है वो हम कल करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे.